वेलकम बैक गाइस। तो गाइस अभी मतलब हम लोग मतलब रत्नागिरी कोल्हापुर वगैरह इधर फिरने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हमारा चेक पॉइंट है मतलब इधर पाली के इधर कुछ तो है अभी विट्ठल गॉड विट्ठल का भी इधर टेंपल है। तो अभी सबसे पहले इधर आ गए। तो अभी कितने कुछ तो 7 बज गए और घर से हम लोग मतलब 5:30 को निकले होंगे मतलब झिराड़ से। तो अभी आपको यही दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो टैंक है गर्म पानी का, उधर सब लोग अभी है मज़ा कर रहे हैं। तो चलो सीन ऐसा है मतलब एक तरफ मतलब वो कुंड में ठंडा पानी है और उस टैंक में कुछ तो गर्म पानी है, वो कुछ तो नेचुरल ही है। तो चलो अभी दूसरे इधर जाते हैं। हम लोग आ गए बड़ालेश्वर टेंपल जो गणपति का है पाली को आ गए। तो चलो अभी आपको दिखा देता हूँ, मुझे नहीं पता कि इधर मतलब अभी वीडियो शूटिंग अलाउड है क्या, तभी भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो गाइस वो सामने देखो कुछ तो वहाँ पर एक फोर्ट है, मुझे नाम नहीं पता कौन सा फोर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने वो फ्लैग है। तो गाइज अभी हम लोग कहाँ पर आ गए, कशेड़ी बंगला मतलब घाट के इधर है। तो इधर अभी हम थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे और यहाँ से और मतलब रत्नागिरी मतलब 150 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग रत्नागिरी और गणपति पुले जाएंगे। तो ये देखो कैसा घाट है। तो अभी हम लोग कशेड़ी बंगला है कशेड़ी घाट कुछ तो ऐसा ही लिखा है। तो अभी मतलब रत्नागिरी स्टार्ट हो जाएगा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग आ गए परशुराम के टेंपल की इधर। तो ये देखो तो पीछे कुछ तो गौशाला अपने में दिखा, उधर कुछ तो 7-8 कुछ तो गाय है, तो उधर हम लोग उसको खाना दे सकते हैं। तो चलो अभी आपको दिखा देता हूँ ये टेंपल। तो वो देखो वहाँ से पूरा सीन। तो ये है पूरा माउंटेन के ऊपर ये टेंपल ऐसा है। तो अगर आपको बता देता हूँ मतलब परशुराम कुछ तो 6th अवतार है लॉर्ड विष्णु का।
चलो देखते उनका ये टेम्पल कैसा है। लिखा है ग्रह बाग और यहाँ पर मतलब प्लैनेट्स के नाम दिए है। तो ये क्या नाम है कपर के नाम की तरह, ये क्या है मंगल, उधर क्या है शुक्र, सूर्य। तो ऐसे मतलब ये सोलर प्लैनेट्स के जैसे मतलब ये लगा है प्लांट्स। फाइनली आ गए गणपतिपुरे, तो अभी उस टेंपल और बीच की तरफ जाएंगे। तो हमने गाड़ी उधर लगाई है। तो ये देखो आज तो मुझे लग रहा है बहुत शायद से क्राउडेड होगा वो प्लेस टेंपल में, बहुत क्राउडेड होगा। कितनी अभी क्राउडेड है ये जगह। और उधर से बीच दिख रहा है गाइस, साथ मेरे पेरेंट्स, ये मेरा भाई और पीछे दो दादी माँ है जो स्लो स्लो चल रहे हैं। और यहाँ से मतलब टेंपल पर जाने का रास्ता है। और वहाँ पर देख आप देख सकते हैं वहाँ पर इतनी गर्दी क्यों है, क्योंकि उधर मतलब वो माउस है और माउस के कान में मुशाकराज के कान में सब लोग अपनी इच्छा बता रहे, तो शायद से मुझे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो चलो जाते हैं। तो ऐसी है गाइस गणपति की मूर्ति उधर की, हमने दर्शन ले लिया। तो वो देखो वो वैसी मूर्ति और सामने है, अब देख पाओ तो वो देखो। तो इतना ही है। और गाइज ये देखो ये यहाँ पर ये बीच है यहाँ का। तो सारे लोग सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं, व्लॉगिंग करते हुए कोई नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी दिख रहे हैं मुझे। तो बहुत ही बड़ा बीच है ये। टेंपल देखो वहाँ पर आप देख पाओ तो मतलब छोटे 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 मतलब ये की है गणपति के मूर्तियाँ उस वॉल पर। साइड से ये व्यू देखो। तो अभी इसमें मतलब शाम को बहुत मतलब अच्छा सीन होगा क्योंकि सनसेट हो रहा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर शाम तक नहीं रुकने वाले क्योंकि हमें जाना है रत्नागिरी को। बात कर रहा था मुशाकराज की, तो ये देखो सब लोग इसके कान में हुए विश मांग रहे। हाँ प्रदक्षिणा मार्ग अंतर 1 किलोमीटर, इन्होंने कहा है कि एवरेज 15 मिनट्स लगेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। से हमने अभी आधा कंप्लीट कर लिया है मतलब 500 मीटर्स आधा किलोमीटर। तो आप सुन सकते हैं देखो पेड़ की आवाज़, कुंड पूरा सूख गया है आप देख सकते हैं। शायद से आप देख पाओ तो वो देखो बर्ड कैसा है, ओ नो। या फिर आप देख पाओ तो वो चला गया। तो ये देखो पूरी यहाँ पर शांतता है। वो देखो सामने पानी समुंदर। यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग आ गए टेंपल की तरफ। तो अभी ज़रा कम लोग हो रहे, अभी क्राउडेड नहीं है ये जगह। तो आ गए गाइस हम लोग बीच पर। तो यहाँ से भी निकल सकते हैं, इस रोड से अंदर जाने में अलाउड नहीं है मतलब ऐसे यहाँ से, क्योंकि वो से मतलब वहाँ के सिक्योरिटी ने कहा, क्योंकि हमने अभी शूज़ पहने थे ना, तो उसने कहा कि मतलब अभी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं हम। तो ये रहा ये बीच। तो ये देखो यहाँ पर कैमल्स है, बेचारे कैमल्स बहुत थक गए गाइस। उस टेम्पल के ऊपर आप देख सकते हैं चलो अभी जा रहे हैं हम लोग फिर से एक बार वो, तो क्या हमारे अभी ऊपर से जाएगा। हाँ ठोक मुझे ठोक। तो ये देखो कितनी दूर गया।
तो आ रहा है फिर से एक बार यहाँ पर, शायद से अभी वो नीचे नहीं आएगा। वो लैंड हो रहा है, उसकी इंजन ऑफ हो गई। गाइस हमें ये लास्ट की एंट्री मिल गई, क्योंकि 5:30 बजे लास्ट की एंट्री रहती है और हम बराबर टाइम पर आ गए। तो क्या बता भाई कितना टाइम लगेगा ये घूमने के लिए, तो आपको दिखा देता हूँ। Thank you.
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
तो गाइस ये प्राचीन कोकण का टूर ये ख़त्म हो गया। तो अच्छा था वैसे, मतलब उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल दिखाई थी, मतलब उनकी हिस्ट्री क्या थी कोकण की, मतलब रात्रि के जाले आपको पता होगा मराठी सीरियल है, तो वैसे कुछ तो थी ये उनकी इनकी लाइफ। तो मैं कुछ तो रत्नागिरी और कोल्हापुर में कुछ तो 3-4 दिन रहने वाला हूँ, तो देखते हैं मतलब ये कैसा, मतलब मैं एक काम करूँगा, मतलब 1 day 1 vlog ऐसा बन निकालूंगा, क्योंकि मतलब पूरा इसमें नहीं डालूंगा, मतलब 3-4 दिनों का एक ही व्लॉग में, मतलब पूरा डे का एक व्लॉग ऐसा करूंगा। तो वैसे 2-3 तो ये व्लॉग बनेंगे हमारे ये, तो चलो देखते हैं क्या होता है। बीच देखो एकदम सनसेट हो रहा है, हैप्पी एंडिंग की तरह ये लग रहा है, ये बीच एकदम साइलेंट और एकदम ऐसा लग रहा है, देखो स्लो मोशन की तरह लग रहा है मुझे, ये देखो पानी पर स्लो मोशन में क्यों है इतना। बाय बाय सी। तो ये क्यों क्यों इतना स्लो है मुझे भी नहीं पता, वो क्या कर रहे हैं उधर। तो गाइस उधर देखो कितनी भीड़ है, वो वाले उस वाले बीच पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे लग रहे हैं। तो सनसेट का मज़ा हम ले रहे हैं अभी, तो ये इस स्लो समुंदर में। तो चलो बाय बाय फिर से एक बार। तो गाइस हमें कुछ तो मतलब रूम नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऑन द टाइम नहीं मिलती रूम, तो फाइनली हमें एक मिल गई, क्योंकि बहुत सारे रूम्स फुल थे। तो अभी हम लोग इधर ही रहने वाले हैं रत्नागिरी को, तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ का सिटी व्यू कैसा है। तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल या फिर अगले वीडियो में, अभी देखते हैं, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा तो वीडियो अपलोड हो सकती है जल्दी, तो देखते हैं। चलो बाय बाय।